<coughs> देखिए हम लोग को जो पढ़ना है आज क्या चालू करना था रोटेशन ना चलिए रोटेशन चालू करते हैं ध्यान से देखिएगा रोटेशनल मोशन यानी रोटेशन चालू करना है आप लोग हम लोग को रोटेशन देखिए <coughs> रोटेशन जो है Uh, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें बहुत सारे टॉपिक सब टॉपिक पढ़ना है जैसे सबसे पहले हम जो है आप लोग को पढ़ाएंगे एक टर्म है जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्सिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया है ना इस टर्म को पढ़ेंगे जिसको मैं आई से इंडिकेट करता हूं बुक में भी यही रहेगा दूसरा जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसमें सब टॉपिक में रोटेशनल काइनेमेटिक्स रोटेशनल काइनेमेटिक्स रोटेशनल काइनेमेटिक्स तीसरा जो सब टॉपिक होगा इसमें आपका टॉर्क एंड न्यूटन न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशन रोटेशन चौथा जो चलेगा यहां रोटेशनल वर्क पावर एनर्जी रोटेशनल रोटेशनल वर्क एनर्जी और पावर ये टॉपिक चलेगा पांचवा जो चलेगा रोटेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम और छठा जो टॉपिक चलेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या चलेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और सबसे लास्ट में जो चलेगा वह रोलिंग मोशन है क्या है रोलिंग मोशन है यानी आप बात समझ सकते हैं इसमें इतने सारे सब टॉपिक जो है आपको स्टडी करना है सब टॉपिक स्टडी करने का मतलब क्या हुआ उस बात को समझ सकते हैं आप यानि कि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इस तरह से पढ़ेंगे यानी कि आप जो शुरुआत किए थे मैकेनिक्स की शुरुआत हम लोग किए थे कहाँ से कैनामेटिक्स से तो देखिए यहाँ मैकेनिक्स से लेकर ले के हम काइनेमेटिक्स से लेकर फिर न्यूटन पढ़े फिर फ्रिक्शन पढ़े वर्क पावर एनर्जी पढ़े ये सब जो टॉपिक पढ़े हैं उसी टॉपिक को रोटेशनल के केस में पढ़ना है अब यानी कि आप समझ सकते हैं कि रोटेशनल काइनेमेटिक्स को इसी तरह से फिर से स्टडी करना है कि रोटेशनल काइनेमेटिक्स जिस तरह से लिनियर काइनेमेटिक्स में स्टडी किए थे उसी तरह से इसको ध्यान देना है कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि हम लोग लिनियर कैनेमेटिक्स में एक्स बराबर यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर पढ़े थे तो क्या पंखा जो चल रहा है रोटेशनल मोशन में है क्या उसमें भी यही फार्मूला लगेगा यूटी हाफ या कोई दूसरा फार्मूला आएगा उसी तरह से वर्क पावर एनर्जी में आपने वर्दन का फॉर्मूला पढ़ा था फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट क्या यहाँ भी रोटेशन में पंखा चल रहा है ये कोई काम नहीं कर रहा है क्या ये भी काम कर रहा है तो यहाँ पर वर्डन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या कुछ और कुछ और तो क्या होना चाहिए यही सब चीजों को इसमें स्टडी करना है यानी देखना है। बात समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं जो है ना तो रोटेशनल कैनेमेटिक्स में हम लोग यही सब चीजों को स्टडी करेंगे बारी बारी से यानी कि रोटेशन में इस तरह से आप कह सकते हैं कि लिनियर मोशन लिनियर में आप जितना टॉपिक पढ़े है ना सारा टॉपिक फिर से पढ़ना है क्या कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम अभी हम लोग पढ़ रहे थे मतलब इसके जस्ट पहले है ना पी इनिशियल इक्वल टू पन फाइनल क्या यहाँ भी वही लगेगा हम लोग न्यूटन में इक्रियम चिप पढ़े थे टॉपिक क्या यहाँ भी इक्वेरियम वही होगा रोटेशनल इक्वेरियम में यानी यहाँ पर बात बदलेगी थोड़ा थोड़ा उसी सभी को हम लोग को क्या करना है समझना है तो देखिए इतने सारे सब टॉपिक आपको स्टडी करना है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहते हैं देखिए बोर्ड एग्जाम में तो आपका आएगा नहीं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो मैं सारे कंपटीशन की बात कर देता हूं है ना छोटा से लेकर बड़ा जितना भी कंपटीशन है सभी कंपटीशन में इसकी क्या जरूरत पड़ेगी उसको देख लेते हैं देखिए सबसे पहले अगर आप नीट की बात करते हैं नीट की बात करते हैं फोर क्वेश्चन इच ईयर है ना पर ईयर फोर क्वेश्चन आता है बात याद कर लीजिए चार क्वेश्चन रहेगा यहाँ से हर हाल जईमेन जईमेन भी लगभग थ्री और फोर क्वेश्चन बात समझ रहे थ्री और फोर क्वेश्चन देता है जेईमेन भी क्योंकि देखिए नीट में आपका फोर्टी फाइव में से फोर रहता है डी मेन में ट्वेंटी फाइव में से थ्री एफ हो जाता है और एक वो होता है सबसे बड़ा एग्जाम जिसको आप तो एडवांस करते हैं ये तो इसका समझिए कि हर्ट है मतलब एडवांस का जो है ना रोटेशन ये हर्ट है समझ लीजिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है तीन चार तो निश्चित रहेगा यहाँ से मिक्स है ना सम टाइम कभी कभी सोचिए बीस बाईस क्वेश्चन में जब छह सात आठ क्वेश्चन आ जाए तो इस चैप्टर को एडवांस के लिए क्या कहिएगा आप सोच सकते हैं है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है तीन चार पाँच तो आता ही है हर हाल में है ना यानी रोटेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए कि रोटेशन का क्वेश्चन में सब कुछ मिक्स किया जाता है यानी सारा चीज आपको मिक्स करके दिया जाएगा है ना इस बात को समझ चुके होंगे तो देखिए ये चैप्टर जो है ये चैप्टर नहीं है कलेक्शन ऑफ चैप्टर है मतलब कि सबको बारी बारी पढ़ना है इस सारा बात समझ लीजिए तो सबसे पहले आज हम लोग चालू करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या चालू करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया और देखते हैं बारी बारी से कैसे इसमें हम लोग स्टडी करते हैं जो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं मोमेंट ऑफ एनर्सिया आखिर क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते किसको हैं है ये सब टर्म आपको आग आगे भी सुनाई देगा आगे चैप्टर में में भी मोमेंट ऑफ की बात आएगी है ना तो इनर्सिया वर्ड क्या होता है पहले ये समझ लीजिए तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कीजिएगा मोमेंट ऑफ एनर्शिया है ना आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है तो गौर से अगर समझते हैं बात को तो ज़्यादा कोई कष्ट नहीं होगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया की बात करते हैं तो गौर से अगर बात को आप समझते हैं तो जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया को इनर्सिया मतलब होता है जो इनर्शियल मास कहते हैं इनर्सिया मतलब आप समझते हैं जो अपने पोजिशन में चेंज नहीं चाहता हो मास को हम लोग इनर्शियल मास कहते हैं आ वह मास जो रोटेशन में यूज हो जाए उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं यानी कि अगर यह पेन अगर यह पेन रेस्ट में है या पेन अगर रेस्ट में है और यह रेस्ट में पेन है और यह लिनियर मोशन शो कर रहा है तो इसमें जो इनर्शियल प्रॉपर्टीज है उसको मास कहते हैं और यही पेन जब अपने एक्सिस पर रोटेट करने लगेगा या किसी भी तरीके से ऐसे रोटेट करने लगे या कैसे भी रोटेट करें तो इसमें जो मास टर्म के बदले यूज आएगा रोटेशन में उसी का नाम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी सिंपली आप समझ सकते हैं अच्छे तरह से कि जो मास रोटेशन लिनियर मोशन में यूज होता है जो प्रॉपर्टीज यूज होता है उसी प्रॉपर्टीज को रोटेशन में जो हम लोग यूज करते हैं उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले क्या है ये समझ लीजिए है ना देखिए यह ऐसा फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन है यानी इट है बोथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों रखता है बट नॉट फॉलो लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यानी बात समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं है ना यह दोनों रखता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें लेकिन वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है ठीक है तो देखिए हम यहाँ पर तो यानी कि तब तो कह सकते हैं या तो इसको स्केलर के जैसा बिहेव कीजिए या तो नहीं आप टेंसर के जैसा बिहेव कीजिए किसके जैसा बिहेव कीजिए टेंसर के जैसा बिहेव कीजिए बस इतने ही सोच लीजिए अस्केलर या टेंसर के जैसा बिहेव आता होगा ये तो इट है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यानी इसको स्केलर कहिए या फिर टेंसर ऑप्शन में रहे तो टेंसर कीजिए टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है है ना मोमेंट ऑफ इनर्सिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया फॉर पार्टिकल सिस्टम पार्टिकल सिस्टम इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड अस्क्वायर ऑफ रेडियस वेक्टर रेडियस वेक्टर यानी हमने कहा ना कि देखिए क्या है जैसे कोई अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए इसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं ये क्या है ऐसे अगर कहीं घुमा दीजिए तो इसको कहा जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस एक्सिस के अबाउट कोई रोटेट करता हो पंखा जैसे रोटेट करता है या फिर कैसे रोटेट करता है इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है इसको बात समझ लीजिए तो ये पेन जो हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे घूम रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और रोटेशन है तो ईच एंड एवरी टाइप में में आएगा हर हाल एक्सिस रोटेशन आपका आएगा और मान ली की कोई पार्टिकल जो है ऐसे इसको चक्कर चक्कर मार मार रहा रहा है है इस इस तरह से एक्सिस पर मार रहा है, और ये पार्टिकल जो है आपका देख लीजिए यहाँ पर है इसका मास एम है और ये रेडियस वेक्टर है आपको देखने में लग रहा होगा कि ये जैसा तैसा है लेकिन ये 90 डिग्री है कैसा 90 डिग्री क्यों है तो उसका रीजन समझ लीजिए एक्चुअली यहाँ पर है क्या उसको अगर समझने की कोशिश करते हैं तो ये है कि एक प्लेन है ये प्लेन पर सर्किल है सर्किल जो रेड वाला ये प्लेन पर है ऐसे और ऐसे पॉइंट है तो प्लेन पर जब सर्किल नाचेगा तो हर एक पॉइंट से जो रेडियस होगा वो रेडियस वेक्टर नहीं कहलाएगा क्या और तब तो इसका फार्मूला जो होगा फॉर पार्टिकल सिस्टम के लिए इज लिख सकते हैं आई बराबर होगा एम आर स्क्वायर फार्मूला यानी कि एम आर स्क्वायर होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया का फॉर्मूला होगा पार्टिकल सिस्टम के लिए जो डिफाइन टर्म है देखिए एम आर स्क्वायर और इसका जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगा लेकिन हमने कहा ना कि ये वेक्टर ऑफ रोटेशन को फॉलो नहीं करता इसलिए टेंसर को इसको सिंपली जोड़ घटाव हम लोग करेंगे तो यहां पर देखिए इसका एस यूनिट आई इज के जी मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर होगा ये बात आप समझ सकते हैं के जी मीटर स्क्वायर होगा तो ये था आपका मोमेंट ऑफ सिस्टम लेकिन ये फॉर्मूला से आप क्या समझे कुछ नहीं समझे तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको नोमेरिकल को देखना पड़ेगा किसको देखना पड़ेगा नोमेरिकल को फार्मूला याद कर लीजिए i बराबर एम आर स्क्वायर आई बराबर क्या होगा आपका एम आर स्क्वायर होगा इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या होता है जो है ना? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा बात को समझने की कोशिश करते हैं देखिए सबसे पहले यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बताते हैं कैसे निकलता है जो वो बात समझ लीजिए ठीक है उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे फिर आगे हम लोग ए सी वर्मा लेके बैठने के लिए बोले थे इस बात को ध्यान दीजिएगा तो सबसे पहले मैं सिंपल एक क्वेश्चन बतलाता हूँ ठीक है आपको एक पार्टिकल है यहाँ पर देख लिए ध्यान से जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके अबाउट एक्सिस ऑफ़ रोटेशन के अबाउट है ना एक पार्टिकल जो है आपका यहाँ पर है देखिए एक पार्टिकल है जो एम यहाँ पर है मास है दूसरा पार्टिकल जो है इसका एम है जो टू एम है लेकिन ये डिस्टेंस जो है यहाँ से टू आर है और ये डिस्टेंस है जो यहाँ से आर है याद कर लीजिए दो पार्टिकल है दोनों पार्टिकल जो है इसके अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन में है इसका मोमेंट ऑफ़ इनर्सिया निकालना चाहते हैं आखिर क्या है? तो आई जो है यहाँ पर बात समझ लीजिए क्या होगा? तो दोनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ लिखाएगा लेकिन होगा, के नहीं होगा. अब अगर इसको पहला पार्टिकल मानते हैं तो देखिए रेडियस यहाँ क्या होता है वो समझ लीजिए रेडियस होता है कि मास यानी पार्टिकल से ऐसे चलिए कि एक्सिस तो 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए तो वही डिस्टेंस रेडियस का, तो का ध्यान से। से अगर निकालना है, तो मास इसका टू एम है, और यहां से तो तो इसका और ऐसे ये रहे हैं। लेकिन ये आर है तो आर स्क्वायर होगा यानी कि आप यहां से देखिएगा तो दो चार और एम आर होगा और ये होगा टू एम स्क्वायर होगा यानी फाइनल आंसर आ गया सिक्स एम स्क्वायर होगा इस बात को समझ लीजिए देखिए क्वेश्चन कैसे बना उसको समझ लीजिए बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन बनता है लेकिन क्वेश्चन आपको फिगर में नहीं देगा आपको क्वेश्चन लैंग्वेज में रहेगा क्या चीज में रहेगा लैंग्वेज में रहेगा इस बात को समझ लीजिए क्या चीज में रहेगा लैंग्वेज में तो हम क्वेश्चन लिखते हैं देखिए क्या है सर सर्कुलर मोशन रोटेशन में क्या डिफरेंस है बहुत अंतर है सर्कुलर मोशन आप गोलंबर के चारों तरफ गाड़ी हैं उसको कहते हैं यानी आपका गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है जो गोलंबर के चारों तरफ घूम रहा है ये सर्कुलर मोशन है जबकि उसी गाड़ी को पंखा में लटका के नचा दीजिए मतलब बड़ा पंखा हो यानी कि ऑब्जेक्ट जो है आपका जब पूरा सिस्टम ही क्या हो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करें और इसमें जो होता है ऑब्जेक्ट जो होता है फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करें देख ली ध्यान से मतलब सिंपल समझे पंखा जो नाचता है उसका मोशन चक्का जो नाचता है उसका मोशन और पूरा बॉडी जो नाचता है उसके मोशन में क्या डिफरेंस है वही डिफरेंस है सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर घूमेगा जबकि रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर नहीं घूमेगा वो किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं बात समझ में दोनों में यही बेसिक अंतर है लेकिन कानेमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो रोटेशनल कानेमेटिक्स और सर्कुलर कानेमेटिक्स जो होता है वो दोनों में फॉर्मूला सेम ही यूज होता है इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बाकी सर्कुलर मोशन में हम लोग को मोमेंट ऑफ की बात नहीं करना है रोटेशनल में करना है बात समझ में देख लीजिए ध्यान से तो आगे बढ़े तो देखिए आगे है सबसे आगे इसके बाद क्या है हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग को क्वेश्चन साथ साथ लिखते चलना है और फिर बना के दिखाना है क्वेश्चन है थ्री इक्वल मास थ्री इक्वल मास ब्रैकेट में हम लिखिए सबका मास है थ्री इक्वल मास ऑफ इक्वलैट्रल ट्रैंगल इक्टू लैटरल थ्री इक्वल मासड ए फाइन मोमेंट ऑफ इनर्सिया मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड मोमेंट इनर्सिया ऑफ पार्टिकल पार्टिकल्स एबाउट एंड एक्सिस एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग एलोंग पासिंग देखिए अब बहुत सारे क्वेश्चन पहला है एलोंग वन साइड एक साइड से पार करेगा तब बनाना है क्वेश्चन दूसरा थ्रू वन पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर ऑन प्लेन परपेंडिकुलर ऑन प्लेन तीसरा

particle passing through one particle and parallel parallel one side parallel one side और आगे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो और भी इसमें क्वेश्चन हो सकता है चार पाँच लेकिन हम इतना बताने से आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं यानी कि क्वेश्चन आपको इस तरह से लैंग्वेज में होगा और लैंग्वेज का क्वेश्चन कैसे बनेगा उसको आपको समझना पड़ेगा बस इतना ही समझ लीजिए ठीक है बाकी फिर हम आपको बताते हैं देखिए लैंग्वेज में इस विस्तार क्वेश्चन रहेगा और जितना भी क्वेश्चन दिए हैं सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ बस है बस अभी जो क्वेश्चन लिखे हैं ना कोई ना कोई कंपटीशन में आया हुआ है बस इतने ही आप समझ लीजिएगा तो हम पहला क्वेश्चन का इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करते हैं देखिए फर्स्ट का सोल्यूशन करते हैं यानी आंसर लिखते हैं कि क्या होगा और कैसे बनेगा देखिए थ्री इक्वल मासमेंट ऑफ ट्रायंगल ऑफ द पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग अलोंग वन साइड मतलब वहां से लेके यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया फिर अगला अलग क्वेश्चन हो गया वन साइड के लॉन्ग तो एक इकोलेट्रल बना लीजिए आप पहले बात समझ ली मेरी एक इकोलेट्रल ट्रेंगल बना लीजिए अब तीनों जगह मास है आपका एक एक पार्टिकल है रखा हुआ देख लीजिए इकोलेट्रल ट्रो ये साइड ए है मास यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है अब एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको मानना है ये क्वेश्चन में दे दिया है एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको मानना है ये क्वेश्चन में दे दिया है और उसमें ये सीधा क्लियरली लिखा हुआ है एक्सिस सब रोटेशन जो है आपका क्या है तो एक्सिस सब रोटेशन जो है अलोंग वन साइड है हम उसको रेड कलर से दिखा रहे हैं वन साइड के अलोंग एक्सिस सब रोटेशन पार किया है या तो इधर से पार किया होगा या तो इधर से पार किया होगा या तो इधर से पार किया होगा तो सिमेट्रीसिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको इधर से पार करवाने में ज्यादा मजा आया है क्यों मजा आया है जिस देखिए जिधर ऐसे घुमा के लिख दिए हैं उसको हम लोग रोटेशन करते हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दीजिएगा और जब ये एक्सिस रोटेशन हो गया तो देखिए पार्टिकल का नेमिंग भी कर दीजिएगा ना तो मजा आ जाएगा पहला दूसरा और ये तीसरा पार्टिकल है तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिखिएगा आई बराबर तो आप लिखिएगा आई वन आई टू और आई थ्री का सम देखिए हर बार इसी तरह से लिखाएगा अब देखिए पहला पार्टिकल का मास है तो देखिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है तो देखिए ध्यान से समझिएगा। इधर समझाने के लिए हम लिख रहे हैं जैसे मान ली कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है और कोई पार्टिकल यहां पर है तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे खींचेगा नाइनटी डिग्री पर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा तो अगर कोई पार्टिकल उसी एक्सिस पर है तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस होगा आप खुद सोचिए बोलिए जल्दी से एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस होना चाहिए खुद बोलिए आप ध्यान से क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए आप सोचिए जिस लाइन पर खड़े हैं उसी लाइन से आपकी दूरी क्या होगी जीरो होगी कोई दूरी नहीं होगा यानी इसका जो होगा रेडियस वेक्टर वो जीरो होगा इसका भी रेडियस वेक्टर जीरो होगा प्लस एम अब आप लोग में से कोई बताइए कि ये आप ही लोगों को बोलना है हमने कहा कि रेडियस वेक्टर का मतलब होता है उस पार्टिकल से ऐसे चलिए कि रोटेशन से टकराए तो नब्बे डिग्री का एंगल बना चाहिए तो क्या ये नब्बे डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर रूट थ्री यहाँ से ऐसे चलिएगा और यहाँ टकरा जाइए यहां से ऐसे चलिए यहाँ आपने से निकालना रहेगा हर बार दिया नहीं रहेगा तो ये आपको पता होना चाहिए अगर साइड ए है तो ये रेडियस वेक्टर जो होगा इसके लिए वो होगा रूट थ्री ए बाई टू होगा यानी इस पार्टिकल के लिए ये डिस्टेंस लिया जाएगा ये रेडियस लिया जाएगा आर थ्री जो होगा ये होगा और आर थ्री आपका कितना होगा रूट ए टू होता है अगर ज्योमेट्री भूल गए होंगेगा और नहीं तो मेरा साठ डिग्री है, है तो ये वाला तो कॉसटी हाफ होता है यहां, से यहां तक ए बाई टू हो गया जबकि ये लीजिएगा तो ये साइन सिक्सटी डिग्री लीजिएगा यानी रूट थ्री ए बाई टू लीजिएगा तो रूट थ्री ए बाई टू लीजिएगा तो रूट थ्री ए बाई टू का होल स्क्वायर लिख के यहाँ पर एम आर स्क्वायर है तो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा यहाँ पर आपका थ्री हो जाएगा एम हो जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर आपका आंसर हो जाएगा बात समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे थे जो किन्हीं को कोई भी तरह का परेशानी है तो बोलिए क्योंकि हमको कोई परेशानी नहीं है ये बात हमको पता है प्रियांशी कोई दिक्कत गौरव है 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 में दिक्कत दिक्कत तो तो नहीं अपने से जल्दी से जल्दी बना के दिखाना है। पहला उतारिए चाहे ना उतारिये हमको मतलब नहीं है लेकिन दो तीन चार नंबर जो है ना जल्दी जल्दी बना के भेजिए क्योंकि सब हम सोल्यूशन करेंगे अभी पहले ही नहीं की चार एक साथ बना भेजना पहले ये बना के भेजिए इसके लिए दो मिनट का टाइम है तीन मिनट का टाइम है उसके बाद फिर हम चालू हो जाएंगे जल्दी से कीजिए बना के भेजिए गायब हो गया है हाँ दो मिनट गायब हो गया तो मेरा बारी है फिर अगला क्वेश्चन में आप लोग तो ट्राई कीजिएगा ठीक है लेकिन हम बताते चलते हैं ध्यान से केवल समझते चलिए बस और कुछ नहीं चाहिए हमको देखिए कहता है सेकंड नंबर प्रॉब्लम में क्या कहता था यहाँ पर ये समझ लीजिए सेकंड थ्रू वन पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर ऑन प्लेन यानी कि अब की बार सेकंड नंबर जब बना रहे हैं तो कहता है दो पार्टिकल से पार्टी वन पार्टिकल से और प्लेन पर परपेंडिकुलर तो ध्यान से देखिएगा वही क्वेश्चन है फिर से है ना यहाँ पर एक पार्टिकल है यहाँ पर एक और यहाँ पर पार्टिकल है एम है एम है और एम है इसको वन टू और थ्री और साइड ए मान लीजिए अब कहता है एक पार्टिकल से पार किया और परपेंडिकुलर ऑन प्लेन है एक पार्टिकल से पार किया है तो देखिए गौर से समझिएगा हम आपको इकोलेट्रल ट्रेंगल बना के दिखा रहे हैं पेन से देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर यहां पर जो है यही ट्रायंगल है देख लीजिए ऐसे बन गया है ना तीनों वर्टिक्स है ऐसे रखा हुआ है ऐसे रखा हुआ है आपका तीनों इक्लेट्रल ट्रायंगल का वर्टिक्स है जो समझ सकते हैं बात को इसके पहला जो क्वेश्चन था कहा था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन साइड से पार किया तो इसी एक एक्सिस के अलॉन्ग साइड से पार कर गया था अब की बार कहा कि एक पार्टिकल से पार किया तो तीन वो पार्टिकल है एक दो तीन लेकिन प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो प्लेन तो आपका ये हुआ ना देख लीजिए प्लेन आपका ये हुआ तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है तब तो परपेंडिकुलर का मतलब ऐसे होता है 90 डिग्री ऐसे या ऐसे यानी कि यहाँ पर जो है अब की बार नाइन्टी डिग्री पार किया परपेंडिकुलर मतलब इस पर ऐसे पार किया मतलब प्लेन ऐसे सीधा गया ऐसे ऐसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जाएगा तो उट मानिएगा तो तो हैं हैं, तो लिखना पड़ेगा और ये हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस का डायरेक्शन याद कर लीजिए ये जो है परपेंडिकुलर एक्सिस का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर एक्सिस का डायरेक्शन ये बता रहा है कि क्या होगा जो इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है तो यहां पर जब नेट मोमेंट ऑफ लिखिएगा तो आई वन लिखिएगा और आई थ्री तो तो गया, लेकिन इसका डिस्टेंस क्या होगा अब देखिए ध्यान से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है तो यहां से चलिएगा ऐसे तब तो 90 डिग्री पर टकराइएगा देख लीजिए ऐसे चलिएगा तो 90 डिग्री पर इसका भी साइड हो जाएगा देख लीजिए ध्यान से से भी परिस्टेंस नाइन्टी डिग्री देख लीजिए हम दो पेन से दिखा रहे हैं देखिए दोनों पेन में डिग्री का एंगल बन है कि नहीं देख लीजिए अगर ऐसा रहेगा तो दोनों के बीच में नाइन्टी डिग्री का ही एंगल बनेगा आप बात समझ सकते हैं तो प्लेन पर अगर कोई चीज रहे परपेंडिकुलर तो वही नाइन्टी डिग्री बनेगा तो एम ए स्क्वायर ये भी हो जाएगा और एम ए स्क्वायर ये भी हो जाएगा यानी फाइनल आंसर आ गया ट्वाइस एम ए स्क्वायर आप बताइए किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए जल्दी से. से नहीं समझ आया नहीं समझ में आया देखिए प्रियांशी ध्यान से देखिएगा ये ट्रायंगल समझ में आ गया होगा ये ट्रायंगल आप थ्री डी फिगर ऐसे दिखाएंगे तब आपको अच्छा दिखेगा ऐसे देखिए ध्यान से समझिएगा ये ट्रायंगल है आप मान लीजिए कि क्वालैट्रल ट्रायंगल नहीं भी दिख रहा है तो भी सोच लीजिए कि क्वलेट्रल ट्रायंगल ही है ये ठीक है इक्ट्रल ट इस तरह से है अब बताइए ध्यान से साइड के एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पार कर इसके ऑफ रोटेशन तो आपको फिगर कैसा दिखेगा इसके लॉन्ग दिखाइएगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का फिगर जो है आप ऐसा दिखाइएगा एक बना दीजिएगा ऐसा और इसके अबाउट दिखाइएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन जबकि आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे दिखाना परपेंडिकुलर ऐसे नहीं इस पर 90 डिग्री पर दिखाना है तो 90 डिग्री पर दिखाइएगा तो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा दिखाना पड़ेगा यानी याद कीजिए कहीं भी आज के बाद हम ये चीज को रोट आपको यही नहीं मैग्नेट में और इलेक्ट्रोसाइड में भरपूर फायदा उठाएंगे इसका तो याद कर लीजिए कि वहां पर जब प्लेन कोई रहता है प्लेन का इस पेंडिकुलर जब एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाना रहता है तो ऐसे दिखाते हैं हम लोग ये दिखाते हैं ऐसे लाइन तब खींचते हैं जैसे एक बात समझ लीजिए पहले ध्यान से समझ लीजिए ये बोर्ड एक प्लेन है ये बोर्ड एक क्या है आपका प्लेन है उस प्लेन पर अगर कोई परपेंडिकुलर ऐसे पेन रखिएगा तो उसको ऐसे दिखाइएगा आप बोर्ड के पैदल रखिएगा तो ऐसे दिखाइएगा ना तो दोनों में दिखाने में अंतर है ये ऐसे है और ये ऐसे है तो दोनों में अंतर होता है इस बात को समझने की कोशिश कीजिए हम जो कहना चाह रहे हैं यानी कि आप बात समझ लीजिए अगर ये प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ऐसा दिखाइएगा और मैथ का थ्योरम है याद कर लीजिए अगर कोई परपेंडिकुलर है ऐसा बोर्ड पर जैसे ये लाइन परपेंडिकुलर है तो कहीं से पॉइंट लेके खींच दीजिए लाइन और बोर्ड के पैरेलल जो होगा हर हाल में 90 डिग्री का एंगल बनाता हैं। ये कांसेप्ट हम लोग 9th क्लास के मैथ में पढ़ते हैं याद कर लीजिए कोई भी प्लेन पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो यह लाइन जो है परपेंडिकुलर लाइन है प्लेन के हर एक पार्टिकल से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये प्लेन के हर एक पार्टिकल से क्या बनाएगा नाइन्टी डिग्री के एंगल बनाता है ये कंसेप्ट है इसको याद करना पड़ेगा यार है बात समझ में हम जो बोल रहे हैं तो नाइन्टी डिग्री पर जब एंगल बनाएगा प्लेन के हर एक पॉइंट से नाइन्टी डिग्री तो बताइए ये क्या हो गया आपका ऐसे प्लेन पर परपेंडिकुलर हो गया ये प्लेन अब यहाँ से भी आइएगा तो नाइन्टी डिग्री बनेगा यहाँ से भी आइएगा नाइन्टी डिग्री बनेगा लेकिन अगर आप ऐसा कर दिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया तो अब यहाँ से डायरेक्ट आइएगा ये वाला तो नहीं होगा नाइन्टी डिग्री इस प्लेन से 90 डिग्री नहीं एंगल बनाएगा आप ज्योमेट्री समझने की कोशिश कीजिए और यहाँ से डायरेक्ट आएगा तब 90 डिग्री बनेगा लेकिन एक कंसेप्ट है इस कंसेप्ट को हमेशा याद कीजिएगा कि कोई भी प्लेन हो उस पर अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो प्लेन का हर एक पार्टिकल से जो लाइन खिंचायेगा और आइएगा उस लाइन के पास तो हर हाल में नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाएगा देखिए ना हाथ ऐसा प्लेन है इस पर अगर आप रखते हैं तो इधर से लाइन खींचेगा तो भी नाइन्टी डिग्री यानी कहने का मतलब ये पेन पकड़े हुए हैं तो पेन पेन देखिए हमारे प्लेन में है हाथ के प्लेन में है और यहाँ से पेन लगाइएगा तो ये नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाएगा हर हाल में आप बात समझ सकते हैं देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से ये नाइन्टी डिग्री का ही एंगल बनाता है देख लीजिए कहीं से भी आइए पेन ऐसे रहेगा तो भी नाइन्टी डिग्री मतलब प्लेन में किधर से भी आएगा तो ये नाइन्टी डिग्री का एंगल ही बनाएगा हर हाल में देख लीजिए रेड पेन ब्लैक से हमेशा नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाएगा ये है इसको याद करना पड़ेगा तो यहां पर आप समझ लीजिए तो वही बात हम यहां बोले कि यहां से अगर पार किया है तो नाइनटी डिग्री पर है तो इसके चलते तो मास का जो वैल्यू है वो जीरो और मतलब थर्ड के लिए ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये तो भी साइड ये भी साइड इसलिए टू एम ए स्क्वायर आया था बात समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं जो आगे बढ़ें आप यस सर यस तो आप लोग फिर से थर्ड नंबर ऑफ फोर्थ हमारा थर्ड नंबर पहले बना के भेजिए उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे बताना सभी क्वेश्चन को हमको है लेकिन एक बार दिमाग आप पहले लगाइए फॉर्मूला में तो कुछ था ही नहीं एम स्क्वायर फार्मूला आया एम स्क्वायर थ्योरी खत्म थ्योरी खत्म हुआ प्रॉब्लम शुरुआत हो गया है देखिए इसका फिगर बनाते हैं ध्यान से सुनिएगा फिगर क्या कहता है इसका डायग्राम ही में तो सब कुछ छुपा हुआ हो होता है डायग्राम देता नहीं है क्वेश्चन तो लैंग्वेज में देता है आपको अब बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है तो देखिए तीसरा नंबर में है एक एकटल ट्रायंगल तो बनाना ही है लेकिन इकोलेटल ट्रायंगल के सेंटर से पार किया है एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब सेंटर जी से यहां से पार किया है सेंटर से पार किया है और परपेंडिकुलर ऑन प्लेन है प्लेन के परपेंडिकुलर है तो मतलब एक्सिस ऑफ़ रोटेशन ऐसे दिखाना है आपको मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है ऐसा अब तीन पार्टिकल है एक पार्टिकल यहां पर है एक पार्टिकल यहां पर है एक पार्टिकल यहां पर है, है, हाँ है मास सभी का सेम है रेडियस है बस इतना ही सोच लीजिए ए अब आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कैसे मेजर कीजिएगा तो देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा प्लेन के परपेंडिकुलर तो यहां से जो डायरेक्ट टकराएगा वो 90 डिग्री यहां से जो टकराएगा 90 डिग्री ऐसे भी देखिए ना ये प्लेन पर ऐसे है तो यहां से लाइन जोड़िए ये हो गया रेडियस वेक्टर का काम किया ये वाला रेडियस वेक्टर का, का काम कर रहा है ये भी रेडियस वेक्टर का, का, का काम कर रहा है और ये भी रेडियस वेक्टर का काम कर रहा है तीनों और तीनों ही जो है खड़ा लाइन से 90 डिग्री नहीं बनाएगा देख लीजिए ध्यान से अगर आप ऐसे करते हैं तो 90 डिग्री एंगल बनेगा देख लीजिए ध्यान से से ऐसे इधर से करते हैं तो भी 90 डिग्री एंगल बनेगा यानी कि ये रेड वाला लाइन ही आपका डिस्टेंस कहलाएगा और यही रेडियस वेक्टर कहलाएगा तो यहाँ रेडियस वेक्टर यानी रेडियस वेक्टर क्या होगा का वैल्यू क्या होगा आर क्या होगा ये आपको सोचना है तो देखिए आप लोग में से अगर कोई जानते हैं तो हमको ये बताइए सेंटर से लेके भर्टिस के बीच की दूरी कितनी होती है इक्लेटल ट्रायंगल में कोई अगर जानते हैं तो बताइए और ये जो मिट्टी हम लोग सेवन के बाद एट नाइन में ही पढ़ते हैं सेंटर से लेके भर्टिस देखिए फिजिक्स भारी नहीं है आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है नाइन टेंथ का उसी के लिए आपको टेंशन हो रहा है अगर का 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 बहुत बहुत अच्छा अच्छा रहे, तो तो भी बहुत अच्छा हो जाए। 11, का मैथ नहीं देखिए गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो पूरा यहां से यहां तक होता है वो कितना होता है पर लाइन कितना होता है रूट थ्री बाई टू पढ़े थे और आप प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ते हैं नाइन्थ क्लास में कि रेडियस ये जो पर होता है सेंट्रॉइड को टू इज टू वन रेशियो में डिवाइड करता है यानी ऊपर का पार्ट होता है टू इज टू थर्ड और नीचे का पार्ट होता है थ्योरम है याद करना पड़ेगा अगर भूल गए हैं तो अभी याद कर लिए टू थर्ड ऑफ रूट थ्री ए बाई टू होता है याद कर लीजिएगा सेंटर से लेकर के वर्टिस के बीच की दूरी जो होता है टू थर्ड ऑफ टोटल परपेंडिकुलर बाय सेक्टर का लाइन रूट थ्री ए बाई टू तो यहाँ से आंसर आता है ए बाई रूट थ्री हम आपके लिए लिखे हैं इतना नहीं तो हमको आंसर याद था कि ए बाई रूट थ्री होता है आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखे रेडियस वेक्टर तीनों का रेडियस वेक्टर यहाँ सेम हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ तो इनर्शिया लिखिएगा आई वन और आई लिखिएगा और यहाँ से जब चलिएगा तो हर एक का मास वन टू थ्री जो भी ले रहे हैं मास सेम है रेडियस भी सेम है एम ए बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर एम ए बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर ए बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर आप बताइए थ्री गुने एम और ए बाई रूट थ्री का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर बाई थ्री आने की समझ लीजिए कि क्या हो गया यानी आई का जो वैल्यू आ गया वो एम ए स्क्वायर आ गया यह भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है नीट का क्वेश्चन में गलत-पलट के देखिए तब मजा आ जाएगा बस सोच लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या है अब इसमें अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए तो फिर अगला क्वेश्चन पर आप ट्राई कीजिए ट्राई करते रहिए छोड़िए नहीं ट्राई करते रहिए छोड़िए नहीं और किन्हीं को कुछ पूछना है तो इसमें भी हम बता सकते हैं आराम से एकदम देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगभग तीन क्लास चलेगा आपको ये रोटेशन भी चलेगा लगभग पंद्रह क्लास उससे कम में खत्म होने वाला नहीं है एक महीना तो निश्चित चलेगा ही हर हाल में बस इतने ही सोच लीजिए मिनिमम तो भेज दिए ठीक है हम चेक भी कर लेते हैं लेकिन पहले यहां समझ लेते हैं कि थ्रू वन पार्टिकल पर पैरल टू वन साइड का मतलब क्या होता है देखिए ध्यान से समझिएगा यही आपका है और सभी जगह एक एक मास है जिसको एम हम लोग कहते हैं एक एक मास है और थ्रू वन पार्टिकल एंड पैरल टू वन साइड है एक पार्टिकल से भी पार किया है और एक साइड के पैरल है तो एक बात तो आप समझ लीजिए एक साइड से अगर पार एक पार्टिकल से पार कर गया है जिस पार्टिकल से पार करेगा उस साइड के पैरल तो नहीं होगा कम से कम याद कीजिए अगर यहां पार्टिकल पार किया तो इसके साइड नहीं तो दो पार्टिकल से पार कर जाएगा आपको पार करवाना है एक ही पार्टिकल से तो अगर इस पार्टिकल से पार करवाइएगा तो इस साइड के पैरल होगा वो लाइन थ्रू वन पार्टिकल एंड पैरल टू वन साइड पैरल टू वन साइड है एक पार्टिकल से पार किया है और एक साइड के पैरल भी है तो इसको कैसे समझिएगा तो कहने का मतलब इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ से पार करवाते हैं तो इस साइड के पैरल होगा यहाँ से पार करवाते हैं तो इस साइड के पैरल होगा तो देखिए यहाँ से बनाइएगा यहाँ से बनाइएगा कि तो कहाँ से बनाइएगा तो कहाँ से आपको फिगर आसान लगेगा देखने में सर तो हमारा बात मान हाँ ऊपर से तो ऐसे अगर पार करवाते हैं इसको ऐसे देख लीजिए ऐसे अगर पार करवाते हैं ऐसे तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन अब इस पार्टिकल को पहला मान लीजिए इसको दूसरा मान लीजिए इसको तीसरा मान लीजिए साइड ए है तो आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा तो I इक्वल टू होगा आई वन आई टू और आई थ्री होगा इतना बात समझ लीजिए अब हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतलाना है कि आखिर कितना होगा तो आप लोग सोचिए कि लाइन किधर से ड्रॉ करेंगे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से टकराइए तो 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए तो तो 90 डिग्री कैसे बनेगा? तो देखिए पहला की अगर बात की पार्टिकल, तो पार्टिकल से जो आपका यहां से ऐसे चलिए कि इस लाइन पर टकराने के साथ नाइन्टी डिग्री तो ऐसे साठ डिग्री बन रहा है तो, तो यहाँ से कैसे चलिएगा ऐसे चलिएगा ऐसे सीधा तो यहाँ पर टकरा जाता है नाइनटी एंगल बनेगा ना तो ये वाला लेंथ कितना होगा तो जितना लेंथ ये वाला होता था यानी ये वाला लेंथ हो गया रूट थ्री ए बाई टू हो गया इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोग को तो यहां पर लिखेंगे एम इन टू रूट थ्री ए बाई टू का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस सेकंड का भी वही हो जाएगा यहां से टकराएगा तो ऐसे टकराएगा ये तो एम रूट थ्री ए का होल स्क्वायर होगा और थर्ड पार्टिकल तो ऐसे सब रोटेशन पर ही है इसलिए एम इंटू जीरो का स्क्वायर होगा अब जरा गौर से समझने की अगर कोशिश करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए ये रूट थ्री का स्क्वायर तो थ्री हो जाएगा आई थ्री एम ए स्क्वायर बाई फोर हो गया अब प्लस थ्री एम ए स्क्वायर बाई फोर हो गया अब जोड़िएगा तो आई बराबर आ जाएगा थ्री बाई टू एम ए स्क्वायर आ जाएगा बात समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं जो देख लीजिए और समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए नहीं तो अब अगला क्वेश्चन देते हैं हम देखिए आपके लिए जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है फिर से वही है ट्रायंगल वाला ही है एक ट्रायंगल है फिगर बना दे रहे हैं आपकी बार इक्ट्रल ट्राइंगल है है ना और मास जो है यहां पर तीनों जगह एम एम रखा हुआ है और साइड भी ए है लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है मतलब ये लाइन है इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालना है ऐसे है ये ठीक है तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्या है उसके बाद क्वेश्चन का बोलिएगा तो लैंग्वेज भी एक आध लिख देंगे हम ज्यादा टेंशन नहीं होगा है ना उस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको उस फिगर का क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आप लोग को और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बाद निकालना है तो रेड लाइन के अलाउ निकालना है रेड लाइन को क्या चीज से नेमिंग कर दें तो बाई डैश कर देते हैं बाई और बाई डैश कर देते हैं ठीक है तो और साइड ए है इकोलेटल है फिगर में सब कुछ दिख रहा है फाइंड एम आई एलोंग बाई बाइड डैश विच लाइज एलोंग लाइज लाइज ऑन द प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल आप फिगर में दिख रहा है कि एक पार्टिकल से पार कर रहा है और क्वेश्चन लिखा है लाइज ऑन द प्लेन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो प्लेन है उसी प्लेन में रखा हुआ उस परपेंडिकुलर नहीं रखा है उसी के प्लेन में रखा हुआ है परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन बना लिए हैं प्लेन में रखा हुआ है इसको बनाना है और यह भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है बनाइए जल्दी से टेंशन नहीं लीजिए बनाने की कोशिश कीजिए फटाफट फड़, जरूर बनेगा आपसे आपको सिखा के ही दम लेना है बस इतना ही सोच लीजिए उसके पहले तो आपको छोड़ना भी नहीं है यहाँ पर क्या है कुछ अलग है कि नहीं है या उसी के जैसा है आप लोग जो भेजे हैं वो सही है या गलत है उसको भी चेक कर देते हैं है ना देखिए मोमेंट ऑफ इनर से यहाँ आई लिखेगा तो सबसे पहले आई वन आई टू और आई थ्री लिखना पड़ेगा आपने मन से मान लिया कि पहला है ये दूसरा है और ये तीसरा पार्टिकल है नेमिंग तो करना ही पड़ेगा ना हर हाल में तो देखिए पहला पार्टिकल तो ऐसे सब रोटेशन पर है ऐसी जीरो का स्क्वायर होगा दूसरा पार्टिकल यहाँ है यहाँ से ऐसे चलिए कि तो नाइनटी डिग्री एंगल तो यहां से ऐसे चलिए तो ये ही रह जाएगा यहाँ से ऐसा चलिए कि इससे तो डिग्री एंगल यहाँ से थेट से गजब है ऐसे चलिएगा तो

अब जरा गौर से देखिएगा ये हो गया फाइव बाई फोर एम स्क्वायर जो लोग भेजे थे सभी लोग का सही है बस इतना समझ लीजिए है ना तो प्रियांशी अब समझ yes, में आ गया गौरव समझ में आ गया यस सर यस सर अब समझ में आ गया नहीं पा सोचिए एक छोटा सा फॉर्मूला एक क्लास निकलवा दिया आप लोगों को डेढ़ घंटा खींच दिया पकड़ के है ना एम स्क्वायर कितना आसान फॉर्मूला था एम स्क्वायर है ना फार्मूला कितना आसान था अभी भी इसके जकड़न से आप बाहर नहीं हुए हैं इसकी पकड़ जो है बहुत मजबूत है बस सोच लीजिए देखिए अगला क्वेश्चन देते हैं थोड़ा सा धमाका होगा ज्यादा नहीं होगा है ना थोड़ा सा मात्र ज्यादा नहीं नेक्स्ट कॉलम में फिर आ जाते हैं पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्सिया जहां फार्मूला कम हो फार्मूला एकदम बिल्कुल बच्चा के जैसा हो समझ जाइए वो क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है उसका और न्यूटन्स को याद कीजिए बराबर में एक ही को फार्मूला है आज तक तो हल्का मचाए हुए हैं देख लीजिएगा गौर से अब की बार जो है ना थोड़ा सा कष्ट है ज़्यादा नहीं ऐसे है और ऐसे है बात समझ लीजिए एक पार्टिकल जो है यहाँ पर प्रेजेंट है एक पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल यहाँ पर है यहाँ का मास m है यहाँ का मास 2m है यहाँ का मास 3m है यहाँ का मास 4m है दूरी अगर कोऑर्डिनेट की बात कीजिए तो ये दूरी L है और ये भी दूरी L है ये भी दूरी L है और ये भी दूरी सभी का डिस्टेंस जो है आपका L है इस बात को समझ लीजिए यानी सभी पार्टिकल जो है इस ओरिजिन से l दूरी पर है कोऑर्डिनेट सबका सेम है ठीक है एक लाइन जो है यहां से पार कर रहा है ऐसे तिरछा ऐसे पार कर रहा है और ये मान लीजिए कि कोई एक्सिस है एक्स एक्स मान लेते हैं इसको है ना लेकिन यह लाइन जो है यहां से इस पोर्शन में ये पोर्शन में यहां से थर्टी डिग्री का एंगल बना रहा है तीस डिग्री का कितना डिग्री का तीस डिग्री का एंगल बना रहा है तो क्वेश्चन में फिगर में दिया हुआ है और एक्सेस डैश जो है प्लेन ऑफ फिगर में है यानी एक्सेस डैश जो है फिगर पर रखा हुआ मतलब कि जो जैसे बोर्ड पर सारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो फिगर भी रेड वाला जो है उसी पर है तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया एबाउट एक्सएक्स डैश एज सोन इन फिगर एज सोन इन फिगर और फिजर हम समझा ही है दिए हैं कि क्या है और पार्टिकल का नाम भी दिया है मास भी दिया है एंगल भी सब कुछ दिया है ये आपका क्वेश्चन है देखिए आपके पास तीन से चार मिनट का टाइम देंगे क्योंकि मेरे पास अब पढ़ाने के लिए जो टाइम है ना बाकी है वो सता आठ मिनट बाकी है तो आठ तीन चार पाँच मिनट आपको देते हैं टाइम और उसका दो तीन मिनट में हम सोल्यूशन समझा देते हैं फिर आज का क्लास इंड हो जाएगा बात जल्दी से समझिए और बनाइए है ना पेज नंबर भी लिखा देंगे टेंशन मत लीजिए लेकिन सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या हो सकता है उसको समझते हैं देखिए यहाँ चार पार्टिकल हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा लिखा हुआ है नेमिंग वन टू थ्री फोर इसलिए टेंशन नहीं लेना है वन टू थ्री और फोर चार पार्टिकल हैं आप पहले ये सोचिए कि इस पार्टिकल से इस रेड लाइन पर कैसे चलिए नाइनटी डिग्री एंगल बने तो ऐसे चलिएगा तो नाइनटी डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पर टकराइएगा तो नब्बे डिग्री का कौन बनेगा देख लीजिए और अगर ये एल है और अगर ये थर्टी डिग्री है वर्टिकली अपोजिट में तो जानते हैं ये लाइन कितना लंबा होगा ये सामने वाला लाइन जो होता है एल साइन थर्टी डिग्री होता है ये बात आपको पता होना चाहिए एल वाई टू होगा यानी मोमेंट ऑफ इनसे लिखिएगा तो एम एल बाई टू का होल स्क्वायर होगा ये सेकेंड पार्टी के लिए यहाँ है यहाँ से चलिएगा तो नाइनटी डिग्री कहाँ बनेगा जहां भी बनेगा आप चलिए ऐसे जहां भी बनेगा परपेंडिकुलर नाइनटी डिग्री बनेगा ही हर हाल में कहीं ना कहीं जहां भी बनेगा तो ये थर्टी डिग्री है तो ये सिक्सटी डिग्री होगा और ये एल है तो परपेंडिकुलर लाइन जो होता है ये वाला ये होगा एल साइन सिक्सटी डिग्री होगा यानी रूट थ्री एल बाई टू हो जाएगा तो इसका मास टू एम है तो रूट थ्री एल बाई टू का होल स्क्वायर होगा प्लस अब ये पार्टिकल थ्री एम है इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसके बराबर होगा यानी थ्री एम इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर देख लीजिए ध्यान से फिर ये फोर एम जो है इसके बराबर हो जाएगा तो फोर एम इंटू रूट थ्री एल बाई टू का होल स्क्वायर आप गौर से समझ सकते हैं बात को देखिए सभी में टू नीचे है और टू नीचे है और एम एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए एम एल स्क्वायर बाई अगर फोर कॉमन लेते हैं तो ये वन बच जाएगा इधर और ये क्या बच जाएगा देखिए रू एमएल स्क्वायर बाई फोर कॉमन लीजिए तो ये थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कीजिए तो थ्री हो जाएगा यानी ये सिक्स हो जाएगा और यहाँ पर एम एल स्क्वायर कॉमन लिए तो थ्री का थ्री बच जाएगा ये और प्लस अगर इसको कॉमन ले लिए थे एम एल स्क्वायर बाई फोर तो थ्री हो गया फोर थ्री जो ट्वेल्व हो जाएगा जाए। ये यानी आप सोच लीजिए क्या होगा बारह तीन पंद्रह एक सोलह बाईस हो गया ऊपर बाईस एम एल स्क्वायर बाई फोर यानी कि आप इसको लिख सकते हैं इलेवन बाई टू एम एल स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा समझ में आ गया बात आप लोग को देख ली ध्यान से यानी कि आज क्या पढ़े है ना उसको दिमाग में दो चार बार घुमा लीजिए तब मजा आएगा नहीं तो अगले क्लास से सजा आ जाएगा रोटेशन में समझ तो लीजिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा एट एनी कंडीशन उसके बिना कोई काम नहीं होगा आपका बस इतना सोच लीजिए देखिए हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे एस सी वर्मा पेज नंबर वन नाइनटी सिक्स क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन दो गो होमवर्क है नाइन और टेन एस वर्मा का क्वेश्चन नंबर है बस समझ लीजिए रोटेशन का 196 पेज नंबर है और क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन है यानी एससी भी पेज नंबर 196 क्वेश्चन नंबर नाइन एंड टेन दो प्रॉब्लम दिए हैं होमवर्क बनाने के लिए ज्यादा नहीं एस सी वर्मा फर्स्ट पार्ट पार्ट वन से क्वेश्चन है रोटेशन चूंकि पार्ट वन में है देख लीजिए ध्यान से इसके बाद अब किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए नहीं तो मीटिंग इंड होगा देख ली ध्यान से सर आपको क्वेश्चन भेजे थे उसका सलूशन अभी yes, कर देते हैं हम मीटिंग इंड